हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट प्राइसिंग टॉपिक हमने स्टार्ट किया। बच्चों, मोस्टली ऑल यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश, तो अब जो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सम्स है तो अलग प्रकार के वो मैं लेने जा रहा हूँ, जिसके चांसेस एग्जाम में कम है। आज लेने जा रहे सम नंबर 4, इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 49। ओके, चलो टेक्स्ट बुक फुल स्क्रिप्ट बुक और कैंसिल के साथ ज्वाइन हो जाओ। अपोलो कंपनी लिमिटेड प्लान टू इंट्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स, पेज नंबर 49 पे। TNTH सेलिंग प्राइस फॉर देम, डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। एस्टिमेटेड डेट आर गिवन, टी के अंदर प्रोडक्शन 2 लाख, टीएच के अंदर 4 लाख, मटेरियल वेज लेबर, पैराग्राफ में फैक्ट्री ओवर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, पैराग्राफ के अंदर द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 100 लाख, सो वर्किंग कैपिटल इज 6 मंथ डेट ऑफ टोटल कॉस्ट। फॉर दिस प्रोजेक्ट टर्म लोन अमाउंटिंग 80 लाख हैज बीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम, 15% ऑफ वर्किंग कैपिटल रेट्स, carrying interest 18% per annum, the department is expected to return 20% of its capital employed। ये बच्चों पैराग्राफ है, मैं आपको आराम से लास्ट में समझाऊंगा। चलो पैराग्राफ 1 नंबर का क्वेश्चन, fix the selling price for both the product that the contribution per labor hour sales price find करनी है बच्चों, as per contribution for labor hour fixed, for labor hour fixed, ठीक है। इस प्रकार से contribution decide करो बच्चों, जिसमें per labor hour contribution fixed हो। चलो अब बच्चों contribution find करना हो, selling price find करना है, तो आपके पास cost होनी चाहिए। तो ये question को समझो, पहला question है, इसके लिए हम calculation करेंगे। Calculation of total cost and per unit cost, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों particulars, उसके बाद product T, उसमें per unit total, product TH per unit total, और फिर बच्चों उसका भी total। इस प्रकार से ये हमारा statement run होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों नजर अंदर, सबसे पहले टी के अंदर प्रोडक्शन की यूनिट है मेरे ख्याल से 2 लाख, टीएच के अंदर 4 लाख, और फिर टोटल हमें ढूंढना है, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चों और यूनिट, और यहाँ टोटल, और यूनिट, और यहाँ टोटल, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों टोटल का भी टोटल। चलो वर्किंग चार्ट करना बच्चों, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, यस ये हम लेने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ, कोई वीडियो में कटअप नहीं हो रहा ना? यस, एकदम करेक्ट है। कई बार बच्चों चेक करना पड़ता है जिससे हमें दुख ना हो। चलो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बच्चों सबसे पहला खर्चा लेने जा रहा हूँ, 1 नंबर में डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी पर यूनिट वैल्यू है 15, बाजू में 14। सेकेंड है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी पर यूनिट वैल्यू है 9, बाजू में 6। और उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में फैक्ट्री ओवरहेड, 3 नंबर में फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स, 50% वेरिएबल, पहले वेजेस का 100 रुपया है, तो वेजेस 9 रुपया बच्चों, उसका 100 टका यानी 9 रुपये, उसमें से 50% वेरिएबल, 9 रुपये का 50% 4.5, और बाजू में 6 रुपये, उसका 50% 3 रुपये, ठीक है। उसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो चल शुरू, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 100% फिक्स, छोड़ दो बच्चों से, अपना खाली वेरिएबल लेवल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 4 नंबर में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके अंदर 50% वेरिएबल है, 3 रुपये का 50%, और बाजू में 4 रुपये का 50%, 1.5 और 2। फिर यहाँ बच्चों टोटल करोगे, देन यू फाइंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड होगा बच्चों डेंजरस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
अब बच्चों वेरिएबल कॉस्ट में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 30 लाख, 9 × 2 18 लाख, 4.5 × 2 9 लाख, 1.5 × 2 3 लाख। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों कि मेरे मल्टीप्लाई में गड़बड़ नहीं है ना। यस 30, 18, 9, 3 एकदम सही है, 30 रुपये और इस तरफ 60 लाख। ये हो गया बच्चों अफलातून वेरिएबल कॉस्ट। बराबर टाइम ले लो, हम 50% इधर वेजेस की वैल्यू ले वाली है ना, 50% फिक्स 50% वेरिएबल, सेलिंग ओवर ना 3 रुपए आ गए, 50% फिक्स 50% वेरिएबल। ओके 15 ले लो, 15 और 4 19 20 21 और 30 सही है। 14 × 4 लाख 56 लाख, 6 × 4 लाख 24 लाख, 3 × 4 लाख 2 × 4 लाख टोटल करें बच्चों 14, 24, 23, 25 ठीक है। और बाजू में बच्चों मेरे ख्याल से 100 लाख यस, और ओवरऑल टोटल 100 + 60 160 लाख। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून वेरिएबल कॉस्ट। थोड़े जीरो आप लोग बच्चों के लिए समझ लेना, आते हैं तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट में कैलकुलेशन। आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, मैं साइड में जाऊँ वैसे ही आप वीडियो पोज करके नोट डाउन कर लेना ठीक है। चलो अब बच्चों फिक्स पर से फिक्स के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना लोगे तो उसके अंदर बच्चों 50% लेना है तो बाकी 50% ले लें। यस 4.5 और 3 आएगा सेम 4.5 3 4.5 × 2 लाख 9 लाख, 3 × 4 लाख 12। अब बच्चों ये फिक्स हो गया, उसके बाद मैं लेने जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसके अंदर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है ठीक है। अब बच्चों दिखाई दीजिए इसलिए मैं इस तरफ लेने जा रहा हूँ, सेम वर्किंग करना होगा हमें। यस स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रहा है बच्चों, टी टी एच एंड टोटल। चलो दो नंबर के अंदर लेंगे बच्चों सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है, उसके अंदर बोला है बच्चों 50% फिक्स। और बच्चों चौपड़ी में ध्यान आप तो मर से हो, 3 रुपये और 4 रुपये का 50% 1.5 और 2 1.5 × 2 लाख 3 लाख 2 × 4 लाख थोड़ा वैल्यू बच्चों 8 लाख ठीक है। अब बच्चों मेन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसमें बोला है 10% ऑफ फैक्टरी कॉस्ट, 10% ऑफ फैक्टरी कॉस्ट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। डका शुरू गपला स्टार्ट बच्चों, चलो नजर बोर्ड पे। यहां बच्चों हम लोग यहां टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद ओवरऑल टोटल करेंगे दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ठीक है। अब बच्चों मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास फैक्टरी कॉस्ट नहीं है, तो मैं नोटिंग कर रहा हूं ध्यान से देखना, नॉट फैक्टरी कॉस्ट टी और टी एच। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। चलो अब मैं बोर्ड पे से डायरेक्ट मटेरियल ले जा रहा हूं 15 14 15 रुपए 14 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 9 और 6 9 और 6, फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 + 4.5 यानी 9, 3 + 3 6 9 6 टोटल करोगे तो 15 9 9 2 18 18 5 23 20 10 33 14 24 26 26। ये हो गया बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। अब बच्चों ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका 10% देना है, इनटू 10% जैसे लोगे बच्चों 3.33 और 2.6 ये हो गया बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मैं चेकिंग कर लूँ कोई कट ऑफ हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ये जो आया फैक्ट्री को ध्यान रखो 3.3 × 2.6 3.3 × 2 लाख, जैसे 3.3 को बच्चों 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे मेरे ख्याल से आएगा 6,60,000, उसके बाद 2.6 × 4 लाख करोगे तो वैल्यू आएगी 10,40,000। ओवरऑल टोटल करें, टोटल इस तरफ कंटिन्यू जा रहा है बच्चों, जैसे टोटल करोगे फिक्स कॉस्ट का टोटल होगा 9.70,
9:30 4:30 9:30 होगा ब्रेक 4:30 और 5:30 9:35 जल्दी से निश्चय ठीक है। उसके बाद नीचे बच्चों 39:30 ओके बाजू में 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 8 लाख 9 दिन 12 6 18 लाख 60 हजार ओके चलो। उसके बाद बच्चों बाजू में 7.6 और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का टोटल टीएच का 30,40,000 ओके एंड ओवरऑल टोटल फिक्स कॉस्ट का होगा बच्चों ये रहा 49 लाख ये मेन टोटल है बच्चों। और अब नीचे ओवरऑल टोटल करेंगे बच्चों तो पहले का टोटल आएगा 60 लाख प्लस 1860 में टोटल चेक कर लेता हूं बच्चों 78,60,000 ओके। उसके बाद बाजू में आएगा बच्चों 32.7 यहां 130 लाख 40 हजार ओवरऑल टोटल होगा बच्चों 209 लाख ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 209 लाख ये मेन टोटल है बच्चों। ये हो गया स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट करी जो बड़े को स्टेटमेंट जो टोटल कॉस्ट टीटीएच मटेरियल वेरिएबल वेजेस वेरिएबल फैक्टर ओवर में 50% वैल्यू वेजेस ना लेवा ना वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो वैल्यू उसका 50% वेरिएबल ये टोटल किया नीचे फिक्स कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड 50% बराबर सेलिंग ओवरहेड जो वैल्यू उसका 50% और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके सामने बच्चों ये फैक्ट्री कॉस्ट के आधार पर वर्किंग किया। ये हो गया बच्चों आपका खाली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी आंसर आएगा मैं साइड पे जा रहा हूं बच्चों वीडियो पोस्ट करके आपको रिक्वेस्ट है आप सब लोग नोटिंग कर लेना जिससे आपका काम कंप्लीट हो जाए। चलो अब बच्चों पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की। अब मैं पैराग्राफ से एक एक पॉइंट रीडिंग करके आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन रनिंग है पैराग्राफ द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 100 लाख पॉइंट नंबर 1 फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 100 लाख ओके। सेकंड पॉइंट द वर्किंग कैपिटल इज 6 मंथ स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। दो नंबर में बच्चों वर्किंग कैपिटल की वैल्यू टोटल कॉस्ट कितनी थी टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट नंबर 1 में थी 209 लाख उसका 6 महीने का स्टॉक ले लो 209 लाख का 6 महीने का स्टॉक लो बच्चों तो वैल्यू आएगी 104,50,000 दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बच्चों। तीन नंबर में उसके बाद द टर्म लोन इज 80 लाख उसके ऊपर हमें 14% ब्याज देना है कोई जरूरत नहीं 50% वर्किंग कैपिटल के लिए 18% देना जाने दो। आगे द डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टेड टू गिव 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये प्रॉफिट हुआ बच्चों तो मुझे 20% रिटर्न चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा दूसरा फॉर्मूला होगा बच्चों फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट ऊपर आया 100 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल आए 104,50,000 टोटल करोगे 204,50,000 उसका 20% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 204,50,000 का 20% 40,90,000 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया प्रॉफिट बच्चों। प्रॉफिट के बाद चार नंबर सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट हमने पहले स्टेटमेंट के अंदर निकाली थी 209 लाख ये लिख दिया प्लस प्रॉफिट 40,90,000 ऐड करोगे बच्चों तो 249,90,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। मैं आंसर चेक करूं बच्चों एकदम सही है बच्चों पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बच्चों क्यों या सेल्स प्राइस चाहिए एज पर कंट्रीब्यूशन। तो अब यहां से बच्चों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन पॉइंट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ठीक है बराबर ध्यान देना बच्चों। तो सेल्स ऊपर मैंने ढूंढ लिया है 249,90,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट स्टेटमेंट नंबर 1 उसका टोटल देखो बच्चों स्टेटमेंट नंबर 1 में 3 टीए का टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मेरे ख्याल से 160 लाख फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि आगे गिना हमने बोर्ड पे सर अप कर दिया है एकदम सही है बच्चों। ये हो गया कंट्रीब्यूशन 89
9,90,000. This is very very important. 6 नंबर के अंदर बच्चों अब कंट्रीब्यूशन मुझे पर लेबर आवर चाहिए. मेरे पास क्या होना चाहिए नेक्स्ट में? टोटल लेबर आवर. ये कैसे ढूंढोगे? टी और टीएच ध्यान देना बच्चों. चलो सबसे पहले चाहिए मुझे पर यूनिट लेबर आवर. अब लेबर के अंदर देखो बच्चों वेजेस पर यूनिट 9 रुपए. 9 रुपए वेजेस है. ब्रैकेट देखो पर आवर 3 रुपए रेट है. 3 रुपए से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 3 आवर. बाजू में बच्चों टेबल के अंदर 6 रुपया वेजेस है. 3 रुपए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आवर. अब बच्चों ये जो आवर आया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्शन यूनिट से. लेबर आवर टोटल फाइंड करना शुरू करो पड़े. प्रोडक्शन यूनिट पहले में इनटू 2 लाख, दूसरे में इनटू 4 लाख. जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये आ गया टोटल लेबर आवर 6 लाख और यहाँ 4 × 8 लाख. ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से बच्चों साइड में जा रहा हूँ. फिर से देखो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाया बच्चों. टोटल कॉस्ट का स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर वेरिएबल फिक्स कॉस्ट लिया. फिर क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस का फिक्स इन्वेस्टमेंट लिखा. वर्किंग कैपिटल पैराग्राफ में समझाया 6 महीने का स्टॉक कॉस्ट का. फिर रिटर्न 20% कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकाला. सेल्स वैल्यू ढूंढी आपके सामने ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके. पर बच्चों सेल्स प्राइस हमें कैसे जे कंट्रीब्यूशन के आधार पे कंट्रीब्यूशन का फार्मूला जो आपने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में मार्जिनल कॉस्ट में सीखा हुआ है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यूज किया. 6 नंबर में टोटल लेबर आवर चाहिए था बच्चों. तो वेजेस पर आवर 9 रुपए है. रेट 3 रुपए तो डिवाइड किया 3 आवर्स. डिवाइड किया 2 आवर्स. प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया ये हो गया बच्चों आपके लेबर आवर्स. अब बच्चों लाइव है आपके सामने 6 नंबर के बाद आंसर के लिए स्टेप आगे ले जा रहा हूं. मैं आशा करता हूं आप वीडियो पोस्ट करके रखो कि बहुत ही लंबा सा बच्चों और प्रैक्टिस में प्लीज ये इलस्ट्रेशन टू गेम लेना. कोई डाउट नहीं पड़ेगा इलस्ट्रेशन टू गेम के पास. चलो 7 नंबर में चाहिए मुझे और आवर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल लेबर आवर. ठीक है बराबर ध्यान देना बच्चों. ये रहा टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपने ढूंढा था 89,90,000 और लेबर आवर रहे 6 लाख + 8 लाख 14 लाख. अब जैसे बच्चों ये दोनों को डिवाइड करोगे पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन आएगा 6.42 रुपीज. अब बच्चों 8 नंबर में मुझे चाहिए सेल्स प्राइस एस पर कंट्रीब्यूशन. ठीक है टी थोड़ी जगह छोड़ी टीएच. ठीक है बराबर ध्यान से देखना यहाँ पर टी. सबसे पहले बच्चों हमें मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट बताया सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस कंट्रीब्यूशन लिखते हो तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहला स्टेटमेंट में समझिए पहला स्टेटमेंट वाली वेरिएबल कॉस्ट बोलो 30 और 25. हाँ ये कहाँ से लिया? स्टेटमेंट नंबर 1 30 और 25 प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जैसे ये ऐड करोगे बच्चों यू विल फाइंड सेल्स प्राइस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 6.42 पर आवर है. तो मेरे पास पर यूनिट आवर होने के लिए रहे 3 आवर्स. इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 3 आवर्स और बाजू में 6.42 इनटू 2 आवर. जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3 से वैल्यू आएगी 19.26 और बाजू में आएगी बच्चों 12.84. टोटल करोगे तो पहले में सेलिंग प्राइस होगी 49.26 और दूसरे में बच्चों 37.84. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बच्चों आपका आंसर नंबर 1 सॉल्व. आप देख सकते हो बोर्ड पे सेलिंग प्राइस एज पर कंट्रीब्यूशन मैंने आपके लिए फाइंड कर लिया है. दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम बच्चों. 14th मार्क में आने का चांस. अब बच्चों ये जो सम है उसके अंदर हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. चलो पैराग्राफ पर नजर रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं. क्वेश्चन 2 प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट वुड बी मेड बाय द डिपार्टमेंट. बच्चों में ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड करना है.
वीडियो पॉज करके यहाँ पर लिख देना, इस तरफ का मैं निकालना बच्चों। अब हम जा रहे हैं बच्चों अफलातून क्वेश्चन के आंसर नंबर टू पे। स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल प्रॉफिट। चलो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा बच्चों डेंजरस सेल्स। अब सेल्स के लिए टी अने टीएच, टी के अंदर यूनिट्स है 2 लाख प्रोडक्शन यूनिट, टीएच के अंदर है 4 लाख प्रोडक्शन यूनिट। तो बोले सर सेल तो 249 लाख है वो, नहीं यहां इस एलिमेंट में देखो आप सुधीर जी 49.26 और सेकंड में 37.84। यस ये नया वाला सेल है बच्चों, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, पहले हमें 98,52,000 सेकंड में आएगा बच्चों 151,36,000। फिर करोगे बच्चों नीचे टोटल सेल्स जिसकी वैल्यू आएगी 249,88,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। और इसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे हम लेस टोटल कॉस्ट। सबसे पहले एक नंबर में लेंगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, कहां से ली? स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट वन में से। सेकंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी कहां से लोगे बच्चों? स्टेप वन में से। स्टेप वन के टेबल के अंदर हमने लिखा हुआ मेरे ख्याल से 160 लाख और उस सेकंड का था 49 लाख। यस 160,149,000 ये हो गया बच्चों फिक्स्ड एंड वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बच्चों हम लोग पैराग्राफ पे, हम छिल्लो पैराग्राफ आ चुके हैं मित्रों। तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 100 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 6 मंथ स्टॉक, फॉर द प्रोजेक्ट टर्म लोन इज 80 लाख, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज 14%। और बच्चों तीन नंबर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, 80 लाख की लोन है उसके ऊपर 14% आपको ब्याज का रेट लेना है। 80 लाख का 14% लोगे तो 11,20,000 रुपए आएगा बच्चों मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है बच्चों 50% वर्किंग कैपिटल का बोरो करना है जिसके ऊपर 18% हमें इंटरेस्ट देना है। 18% इंटरेस्ट ऑन 50% वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी थी बच्चों आगे समय से मैं देख लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू थी 104,50,000, ये था वर्किंग कैपिटल उसका 50%। 104,50,000 का 50% लोगे बच्चों तो 52,25,000 आएगा, 52,25,000 उसके ऊपर 18% ब्याज देना है, कितना 18%। जैसे 18% लोगे बच्चों 940,500 ये आएगा मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट। और जैसे बच्चों सेल्स में से सारे खर्चे डिडक्ट करोगे मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, देन यू रिसीव ओवरऑल प्रॉफिट 20,27,500। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। और व्हाट अ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बच्चों आपने लेक्चर देखे हो तो 2 या 3 सम हो जाते हैं, एक ही सम पूरा हुआ है। मेरी सबको रिक्वेस्ट है बच्चों जनरली उदाहरण जो आप पूछो पर प्लीज अगर आप लोग बहु अगर तो मेरे का उदाहरण बे लगजो तो ज प्रैक्टिस थे ना पूछा तो बड़ा को सीधा चौ मार से पहली बार टाउन मार से तो बाकी स्टेप याद रखो बच्चों। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आने वाला बेस्ट सम कह सकते हैं, पर जो कोरोना की स्थिति है बच्चों उसमें इसके चांसेस कम है। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 20 ब्रैकेट में 12 24b पेज नंबर 162। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश, टेंशन नहीं लेना है, ये आज का लेक्चर है उसके एग्जाम में आने के चांसेस बच्चों 10% है, पर जब आपको पता है ध्यान कॉमर्स मेहनत करा तो बद्दी ज करावे छे। ओके श्रीवाय प्रेजेंट डे ऑपरेट्स इन अ प्लांट एट 80% नॉर्मल कैपेसिटी, मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट ओनली टू मीट डिमांड ऑफ गवर्नमेंट, ही सप्लाइज एट 4 लाख रुपीस सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स,
ही सप्लाइज द प्रोडक्ट फॉर रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट। फिर नीचे एक टेबल है जिसमें 80%, 90%, 100% की बजटेड इन्फॉर्मेशन है। पैराग्राफ में ये रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 20% ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन, एडिशनल पैकिंग चार्जेस 1000, देन व्हाट सेलिंग प्राइस कोटेड इफ 10% प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रेजेंट सिचुएशन उसको हमें अलग करना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आंसर नंबर 1, प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन में क्या है बच्चों, कंपनी मेरे ख्याल से 80% पे प्रोडक्शन कर रही है और 80% पे प्रोडक्शन की यूनिट है मेरे ख्याल से 20,000 यूनिट, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ टोटल ले लेते हैं बच्चों, आई थिंक यहाँ पर भी ले मिले, नजर बोर्ड पे टोटल नंबर शो कोई इतना टफ नहीं है, पर प्रेजेंटेशन अगेन डिफरेंट है, पर्टिकुलर और यूनिट और फिर टोटल। चलो सबसे पहले पैराग्राफ में बच्चों मेरे पास सेल्स है, सेल्स की वैल्यू है मेरे पास 4 लाख और उसके ऊपर प्रॉफिट है 20%, 20% यानी 80,000 लेस करोगे बच्चों तो नीचे मिलेगा टोटल कॉस्ट 3,20,000। यस एकदम सही है। अब मुझे बच्चों बाजू में कोऑर्डिनेट लेना हो तो 4,00,000 / 20,000 डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 20 मिल जाएगा। यस 80,000 / 20,000 आई थिंक 4 रुपीज, नीचे 16 सही है। चलो अब बच्चों मेरे पास एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले खर्चे इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो टेबल अभी है एसेट अकाउंट टेबल जो है वेरिएबल कॉस्ट आपको जो 80,000 / 20 4 रुपए मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। उसके बाद है सेकेंड खर्च, सेमी वेरिएबल छोड़ दो, फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर है बच्चों 80,000, 80,000 को फिर से डिवाइड करोगे 20 से 4 आएगा। उसके बाद थर्ड है बच्चों सेमी वेरिएबल, और सेमी वेरिएबल के अंदर आप सबको पता होगा कुछ कुछ फिक्स्ड कुछ कुछ वेरिएबल, और ये लेस करोगे बच्चों दोनों के बाद मुझे मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, या उसे कह सकते हो मटेरियल एंड वेजेस, जो आगे भी कई समय में मिला हुआ बच्चों, ठीक है। तो अब सेमी वेरिएबल और फिक्स एंड वेरिएबल का क्या अंतर करना है याद आ रहा है बच्चों, उसके लिए मैं नोटिंग सिखा रहा हूं नजर बोर्ड पे। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड, इसमें पहला स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट। तो बच्चों कोई भी दो की सिचुएशन हो ले रहा हूं मैं 80-90 ले सकता हूं, 80-90 ले ऐसा करते हैं, चलो 80-90 का ओवरहेड ले लेते हैं, तो 90% पे मेरे पास ओवरहेड कितना है 42,500 और 80 पे कितना है बच्चों 80,000, ठीक है, सॉरी सेमी वेरिएबल लेना है 40,000, ये ध्यान रखना। नीचे सेम 90% पे प्रोडक्शन पे यूनिट है 22,500, 80% पे है 20,000, ऊपर 42,500 वाली 40,000 जाए चला रहे, खाली समझवा मटे बच्चों काटना भूलो, 90% रकम की दिन हमारी बात करो 2500 और नीचे भी 2500 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 1 रुपया आया। ये हो गया बच्चों आपका वेरिएबल कॉस्ट, अब ध्यान से देखना, और मुझे फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना हो तो क्या करोगे, टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखना 80% पे मेरे पास टोटल सेमी वेरिएबल कितना है बच्चों 80% पे सेमी वेरिएबल है मेरे पास 40,000 और उसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो 80% पे यूनिट है 20,000 इंटू 1 रुपया, 20,000 पे से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 आएगा, लेस करोगे तो बाकी बचा 20,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एलोकेशन। तो अब ये क्लियर हो रहा है बच्चों, फिक्स कितना होगा तो बोले 20,000, वेरिएबल कितना होगा तो बोले 20,000, 20 / 20 1 रुपया, 20 / 20 1 रुपया, ख्याल आयो। तो आ रही आप बेस्ट एक्वा वाला को मैं सुपर लर्नर में सिखवा रही हूं वेरिएबल कॉस्ट, कोई कैसा 90 100 इनको भी जवाब सेम आ जावे, गमे ते बे वस्तु ले माने डिफरेंस इन ओवरहेड में पहली बे बोलन लो छेली बे लो बच्चे नी छेली लो तो भी चाले,
અને પછી ફિક્સ માંથી ટોટલ સેમી માંથી વેરીએબલ લેસ કરો પર યુનિટ એટલે 20000 યુનિટ પર 20000 બાદ થાય 20000 રહે હવે બાળકો 16 મે સે 4 4 8 1 9 10 રૂપિયા ગયા યહાં બચે 6 રૂપિયા પણ યહાં 23 મે સે 80 ઓર 80 એક 60 એક 80 ઓર એ 2 લાખ ગયા તો યહાં બચે બચ્ચો 1,20,000 ટોટલ કોસ્ટ મે સે 3 કર લેસ કરો તો નીચે મિલા બચ્ચો ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ या इसे आप कह सकते हो मटेरियल एंड वेजेस व्हाट अ वर्किंग ये रहा बच्चों आपका बोर्ड पे प्रेजेंट पोजीशन ठीक है अब ये प्रेजेंट पोजीशन निकाल दे मैं नेक्स्ट 20% का जो ऑर्डर है उसके लिए वर्किंग करने जा रहा हूं नजर बोर्ड पे ठीक है वीडियो पोज करके आप लोग आगे का लिख लोगे ऐसी आशा रखा हूं आशा कोई स्टूडेंट का नाम नहीं है ठीक है अंतर वाली आशा खास याद रखोगे बच्चों पोस्ट करके आप लोग मुझे दौड़ा भी सकते हो इसमें बराबर मीडियम दौड़ा एग्जाम होने वाला है चलो सेकंड इंपॉर्टेंट आंसर मेन आंसर क्या होगा बच्चों यस एक्सपोर्ट ऑर्डर 20% ऑफ प्रेजेंट पोजीशन उसका क्या मिला है एक्सपोर्ट ऑर्डर ठीक है तो प्रेजेंट पोजीशन में 20000 प्रोडक्शन यूनिट थे 80% पे ये कितना था 80% उसका लेना है 20% यानी कितने यूनिट हो गए 4000 प्रोडक्शन यूनिट चलो नजर बोर्ड पर बच्चों बोर्ड ही फिक्स बट अगेन कंटिन्यू पर्टिकुलर और यूनिट अने टोटल ओके सबसे पहला खर्चा एक नंबर में लेंगे बच्चों पहले सेलिंग प्राइस देख ले पैराग्राफ में सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है यहां हमें एक नंबर में लेना है वेरिएबल कॉस्ट जो पहला स्टेटमेंट बनाया था उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था पहला स्टेटमेंट वाली कॉपी करवा दो वेरिएबल कॉस्ट था 4 रुपए 4 इनटू अब ये 4000 यूनिट यहां आएगा 16000 सेकंड सेमी वेरिएबल था बच्चों सेमी वेरिएबल उसके अंदर से ले लो वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कितना था बच्चों तो सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल था ₹1 1 × 4000 उसके बाद बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट या उसे कह सकते हैं मटेरियल एंड वेजेस एमवेज ऑफ पर यूनिट से ₹6 × 4 24000 अब आप सबको ये पता होगा बच्चों जब भी आप एडिशनल आइटम प्रोडक्शन करो नो फिक्स कॉस्ट ही करना है फिक्स कॉस्ट नहीं लेना ठीक है ये आपको समझने के लिए है ना तो चार नंबर में फिक्स्ड कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख सकते हो ठीक है फिर यहां करोगे बच्चों टोटल कॉस्ट लोगे 4 ने 5 ने 6 11 और यहां ओ एक मिनट एक मिनट बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है बच्चों यस पैकिंग चार्ज है यस इसको डालते बच्चों यस थोड़ा एक और कट मिला मुझे 5 नंबर के अंदर एक्सपोर्ट का पैकिंग चार्ज जो मुझे दिख रहा है बच्चों आई थिंक ₹1000 1000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा अब बच्चों मैं इसका टोटल करूं तो मुझे टोटल कॉस्ट रिसीव होगी आई थिंक 6×11.25 और यहां आएगा ₹45000 ठीक है अब मुझे ऐड करना है इसमें प्रॉफिट 10% किसका 10% तो वो लेना है बच्चों एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो मेरे पास अवेलेबल नहीं अब बच्चों मैं साइड में रहा वीडियो पोज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे ढूंढोगे सॉरी एक्सपोर्ट प्राइस तो यहां उन्होंने क्या बोला है 10% प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट प्राइस मेरे पास एक्सपोर्ट प्राइस नहीं है तो क्या करूं सपोज एक्सपोर्ट प्राइस सॉल्व उसमें 10% प्रॉफिट 10 यानी कॉस्ट कितनी हुई बच्चों 90 ये रही पद रखो 90 पे 45000 तो 100 पे हाउ मच एक्सपोर्ट सेल्स आएगा बच्चों मैजिकल फिगर ₹50000 और जैसे यहां 50000 रखोगे बच्चों डिफरेंस आएगा 5000 और 50000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो यहां आएगा ₹12.5 और यहां गैप लोगे तो आई थिंक 1.25 आएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ये हो गया बच्चों आपका एडिशनल 20% यूनिट एक्सपोर्ट करने का सेलिंग प्राइस ₹12.50। इसके अंदर याद कर रखना है, एक नोटिंग खास याद रखना बच्चों, व्हेन एडिशनल प्रोडक्शन गिवन देन नो फिक्स्ड कॉस्ट टेकन। याद क्या रखना है उसके अंदर बच्चों, कभी भी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट जनरेट नहीं होता है। ये हुआ बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 20, जिसके ब्रैकेट में आप लोग करोगे 12 and 24 B। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं लास्ट में एक आउटस्टैंडिंग सम जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा बच्चों, ऐसा ओड लॉजिक है इसका। गुजरात यूनिवर्सिटी 16 में आ चुका है, 22A, होमवर्क में 22B, पेज नंबर 64। नाउ वी आर टेकिंग सुपर क्वेश्चन बच्चों, माइंड एकदम एक्टिव, खरेखर मजा आ रहा है। जो बद्धी वस्तु परीक्षा में बाळको કોઈ વસ્તુ લાઈફ માં શીખવા માટે સુપર દાખલો ધ્યાન આપજો। छोटे सब टेटा फोड़ो मैंने बोलता क्लास में अटेम्प्ट बुक आवाज ऐसा सा है, ठीक है। पेज नंबर 64, 22A, 22B रेगुलर है, 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी आ चुका है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एलिजिबल, डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट का 60%, डायरेक्ट वेजेस या लेबर टोटल कॉस्ट का 30%, ओवरहेड टोटल कॉस्ट का 10%, सेलिंग प्राइस 190। इन एस्टिमेटेड रेट मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज 15% एंड 10%, present profit will go down 20, what will be the profit for the next year to maintain present profit। अब बच्चों present के लिए आपको पहले calculation करना है। सबसे पहले एक number, ये question का कैसे समझा रहा हूँ वो देखना मुझे, present position। उसके अंदर बच्चों मेरे पास cost पे मुझे पता है sales का meaning क्या होता है, sales equal to cost plus profit, ठीक है, बराबर लिखा बच्चों मैंने, बराबर ध्यान से देखना। अब मेरे पास सेल्स का वैल्यू है पहले पैराग्राफ में 190,000 और मेरे पास कॉस्ट नहीं है, दूसरे एक्स लेते हैं प्रॉफिट को वाई लेते हैं, किसी को डाउट है, ठीक है। अब यहाँ टोटल कॉस्ट का मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। देखो टोटल कॉस्ट के अंदर क्या बोला है आपको बच्चों, पहले बोला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू 60% ऑफ टोटल कॉस्ट, 60% में 0.60x लगा है, बराबर। डायरेक्ट लेबर, लेबर जो बच्चों 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, 30% यानी 0.30x लिख सकते हैं। और उसके बाद है बच्चों ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की वैल्यू है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी 0.10x लिख सकते हैं। यहां आप टोटल करो तो बच्चों मेरे ख्याल से 1 हो जाएगा, 1x यानी 1 लिख सकते हैं। किसी को ऐड आउट देखो इक्वेशन में, ये आपका पहला प्रेजेंट सिचुएशन वो कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरी कोई गड़बड़ नहीं है ना, यस एकदम सही है। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट के अंदर नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल लास्ट में कितना था, 0.60x। अब उसके अंदर उन्होंने पहले काम में बोला है मटेरियल के अंदर 15% इंक्रीज करना है प्लस 15% इंक्रीज, 15% ऐड करोगे तो 0.09 आएगा, ऐड करोगे तो 0.69x, ठीक है। सुपर मैच अब वैल्यू दे देना बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट लेबर लास्ट ईयर की वैल्यू है 0.30x और उसके अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पहले ग्राफ में 10% इंक्रीज प्लस इंक्रीज 10% 0.03 ऐड करोगे तो 0.33x। चेक कर लो बच्चों एकदम सही है, और ओवरहेड में कुछ नहीं बोला बच्चों, कुछ ना बोला तो कितना लोगे 0.10x। अगर टोटल कर सो बच्चों तो ये हो गया टोटल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर, टोटल करेंगे बच्चों 1.12x, यस एकदम सही है। और प्रॉफिट में क्या बोला है बच्चों नेक्स्ट ईयर, ध्यान से देखना बच्चों, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 20% रिड्यूस्ड होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है एज्यूम करो बच्चों 100, उसमें 20% रिड्यूस करो तो कितना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट प्रॉफिट 80 हो जाएगा, ठीक है, यस 80 हो जाएगा। तो मैं इसे 80 की जगह पे 0.80y ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, यस एकदम सही है। तो बच्चों ये 2 साल का कैलकुलेशन आपके सामने आ गया है, अब ये दोनों के मैं फॉर्मूला इक्वेशन में डालूंगा, बराबर देखते जाना बच्चों। सबसे पहले
तीन नंबर का स्टेप फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर पहले एक्स प्लस वाई सॉरी सेल्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें 190,000 है बराबर एक्स प्लस वाई, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है बच्चों ये 1.12x सेल्स इक्वल टू 1.12x प्लस 0.80y, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह दिखाना हो बच्चों तो मैं बॉर्डर करो, पहले मैं साइड में चला जाऊं, फिर एक बार समझे तो जोड़ो, पहला बार उसने इधर प्रेजेंट पोजीशन में सेल आप ही जाइए, ले कॉस्ट है प्रॉफिट ना दी, कॉस्ट है एक्स और प्रॉफिट है वाई, अब कॉस्ट एक्स के विदो मटेरियल कॉस्ट का 0.60 है, 0.60x लगता है, लेबर 30 है 30% है, 0.30x लगता है, ओवरहेड 10% 10x लगता है, टोटल अगर मैं एक्स से एक लगाई एक्स निकल गई, फिर नेक्स्ट ईयर में मटेरियल की वैल्यू दी 15% इंक्रीज, लेबर की वैल्यू दी 10% इंक्रीज, ओवरहेड की वैल्यू दी 10% इंक्रीज ना दी, टोटल करीब 1.12x का कॉस्ट है, प्रॉफिट में गई जाए लास्ट ईयर में प्रॉफिट है 20% रिड्यूस करो, लास्ट ईयर में प्रॉफिट 100,000 20 रिड्यूस करो 80% का, 80% 0.80y रखा है, हाल रखा है। अब बच्चों ये जो इक्वेशन जगह कम पर रहे हैं इस तरह आपके सामने वर्किंग करने जा रहा हूं, नजर डालो बच्चों, चलो अब स्टेप नंबर 3 इक्वेशन अप्लाई। तो पहला इक्वेशन था बच्चों x प्लस y बराबर 1.90, सीधा लिख दे, और नीचे वाला इक्वेशन आया बच्चों 1.12x प्लस 0.80y इक्वल टू सेम बच्चों 190 लेंगे, यस इसके बराबर भी सेट तो सेम ही रहेगा 190, क्लियर है। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2, बोलो अब क्या करोगे। अब बच्चों मुझे इक्वेशन y और 1 को इक्वल करना हो तो इसको 0.80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहला इक्वेशन उसको मैं मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ 0.80, पहला इक्वेशन हो जाएगा 0.80x प्लस 0.80y, 190 को 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 152,000, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 1.12x प्लस 0.80y और यहाँ 190,000, ठीक है। अब बच्चों अच्छी तरह लिखना हो इसको नीचे ले लूँ, ये इक्वेशन को मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये लाइन आई इसको मैंने नीचे लिख दिया, अब यहाँ साइन बदलू बच्चों, साइन बदलू, जैसे साइन बदलूंगा ये गया 1.12x में 0.80x जाए, 1.12x में 0.80x जाए 0.32x आएगा बराबर 1.90 में से 52 गया, 1.90 में से 52 जाएगा तो आएगा 38,000, तो x इक्वल टू यानी टोटल कॉस्ट इक्वल टू 38,000 डिवाइड बाय 0.32x करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,18,000 750, ये मिला बच्चों टोटल कॉस्ट। किसी को डाउट है चेक करो बच्चों आंसर, मैं फिर से साइड पे जा रहा हूँ बच्चों, वीडियो पॉज करो फॉरी नोटिंग करो जिससे दिक्कत ना हो, ये आप लोग देख सकते हो एकदम इजी लैंग्वेज में वर्किंग किया हुआ है बच्चों। चलो मैं बात फ्रंट का देता हूँ, आंसर भी चेक कर लेता हूं बच्चों, एकदम सही है, यस एकदम सही है। अब बच्चों टोटल कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, x plus y बराबर 190 जिसमें x equal to 1,18,750 डालेंगे, 1,18,750 plus y बराबर 190, तो y बराबर 190 में से 1,18,750 गया तो y यानी प्रॉफिट आएगा आई थिंक 70,1,250, ये हो गया बच्चों प्रेजेंट प्रॉफिट, ये कौन से प्रेजेंट आया। अब बच्चों ये जो प्रॉफिट है उसका मुझे परसेंटेज कॉस्ट के साथ निकालना होगा, कॉस्ट
1,18,750 है, उस पर 100% वैल्यू, तो 71,250 प्रॉफिट पे हाउ मच, जैसे आप पद रखोगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आएगा 60%। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। अब बच्चों इतना वर्किंग करने के बाद मुझे नेक्स्ट ईयर की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं आपके सामने ढूंढने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड कॉस्ट, आई थिंक वीडियो में चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार कट हो जाता है, मैं आगे चला जाऊं लोचा हो जाता है, यस कटिंग हो रहा है, तो अंदर भी साइड देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, ठीक है। चलो अब वो कैसे लो बच्चों, तो उसके लिए नजर यहां, सबसे पहले एक नंबर में डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू रखो, ध्यान देंगे बच्चों, एक नंबर में डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू 1,18,750 है, उसका 0.69x था, 0.69 ले लो, जैसे लोगे वैल्यू आएगी 81,93,750, ठीक है। सेकेंड हो गया बच्चों डायरेक्ट लेबर 1,18,750, उसका 0. वैल्यू था 33, ये लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3,918,7.5, चेक कर लो बच्चों सही है 3,918,7.5। उसके बाद लोगे बच्चों तीन नंबर में ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर 0.10 था बच्चों, 1,18,750 उसका 0.10 वैल्यू ले रहा है, जैसे लोगे वैल्यू 11,850 का, जैसे टोटल करोगे बच्चों अब आपको रिसीव होगी टोटल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर की 1,33,000 रुपए, एग्जैक्टली 1,33,000 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ बच्चों प्रॉफिट लेना डिफिकल्ट है, पर आपने देखा होगा ये मैंने जो फॉर्मूला रखा है वो प्रॉफिट का है, कॉस्ट की जोड़े रिलेशन प्रॉफिट में सोचो प्रॉफिट 60% का कॉस्ट है, तो यहाँ बच्चों 1,33,000 कॉस्ट है, उसका अगर 60% लोगे तो प्रॉफिट आएगा 79,800, और जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर का सेल आएगा 2,12,800। व्हाट बच्चों, मुझे भी डाउट आंसर में मैं चेक कर लेता हूँ, खराब बड़े को आवाज आपका कह रहा छेले रखो मैं समझा लू, एग्जैक्टली आंसर आ जाता है बच्चों, सुपर से ऊपर क्वालिटी सर। और बाकी हो बच्चों अभी कोरोना है, जनरल ऑप्शन चल रहे बच्चों, तो कोई टीचर आपको रिस्क की दाखिल पूछे नहीं, और बारा का प्रोडक्ट प्राइसिंग टॉपिक है जिन क्या आपने क्या करना था अंदर से, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो साइड में रख के भी पूरा सम उतार लो बच्चों, ओवरऑल बेस क्वेश्चन 2016 का अगर पेपर हो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे तो आप ये सम कर सकते हो, ना हो तो टेंशन ले मत, नहीं होमवर्क में 22B करवा लो, 22B होमवर्क में करवा मैंने बच्चों, उसमें भी प्रॉब्लम है, मैं साइड में जा रहा हूं और एक नोट ही कर रहा हूं निकाल, ठीक है, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे ऐसी आशा रख रहा हूं, और 22B में मेरी मदद, इसके बाद मैं एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूं कंपलसरी आपको ऑनलाइन में देने लगा, उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसे प्यार से हम बोलेंगे एबीसी कॉस्टिंग, ओवरहेड से जुड़ा हुआ टॉपिक। फिर से बच्चों बता रहा हूं आप लोग सेफ होंगे, आपका फैमिली भी सेफ होगा, आप लोग सब मास्क पहनते होंगे, बने यहां तक जरूरत के बिना बाहर निकल नहीं होंगे, ऐसी आशा रख रहे हैं, खुद की सेफ्टी रखो बच्चों, फैमिली भी की सेफ्टी रखो, आप सबको मैं हम सब मिस कर रहे हैं बच्चों, मैं राह देख रहा हूं जैसे कंट्रोल आए तुरंत हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, पर तब तक बच्चों बीच का रास्ता बहुत ही बेस्ट है, आशा रख रहे हैं कि आप लोग रेगुलर होमवर्क करोगे, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता दी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.